स्वागत है आप सभी का कैम वर्ल्ड चैनल पे। सो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई पीडीएफ लेके, जो है केमिकल काइनेटिक्स बाई कीथ जे लैडरल। कीथ जे लैडरल की बहुत ही बेहतरीन बुक है केमिकल काइनेटिक्स के लिए। सो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए चैप्टर रहने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है इन्होंने दे रखा है बेसिक काइनेटिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो डिफरेंट काइनेटिक कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं आगे, जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर हैं उनके अंदर, उनका एक बेसिक सा इंट्रो रहेगा। उसके बारे में हमारे जैसे एलिमेंट्री कंपोजिट चेन रिएक्शन, कैटालिसिस या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में मतलब हमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है एनालिसिस ऑफ काइनेटिक रिजल्ट। इस वाले में क्या रहेगा, जो हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं काइनेटिक स्टडी के अंदर उनके बारे में बताएगा। सो हम इसको छोड़ना चाहें तो यहाँ से छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करी जाएगी, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस के बारे में। मतलब अगर हम नेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इस बुक का है वो है थ्योरीज ऑफ रिएक्शन रेट। इसके अंदर क्या होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं रिएक्शन रेट के बारे में उनके बारे में बात रहेगी। जैसे सबसे पहले तो है काइनेटिक थ्योरी, उसके बाद है रेट थ्योरी बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद रेट थ्योरी बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इसके बाद आगे चलेंगे, आगे हमको इसके अंदर मिल जाएंगी जैसे एक्सटेंशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, उसके बाद कन्वेंशनल ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, अलग अलग इसके बारे में बात रहेगी। सो ये वाला चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन, इसके अंदर जो है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या फिर ट्राई मोलिकुलर बाई मोलिकुलर रिएक्शन उनके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे एडवांस टॉपिक है जिनको हम छोड़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलें, सो आगे है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन इन सोल्यूशन। इसके अंदर जैसे सोलेंट इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट, सोलेंट का क्या इफेक्ट होने वाला है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन रेट इन सॉल्यूशन, या फिर रिएक्शन बिटवीन आयन या आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल रिएक्शन, इस तरीके से ये वाला पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बात करें देन रिएक्शन ऑन सर्फेसिस, मतलब जो एडजॉर्प्शन वाला पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, मतलब काइनेटिक्स के अलावा इन्होंने यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री को भी यहीं पे दे रखा है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके बाद मेन जो है वो है जो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर नहीं डील की जाती, वो है मैकेनिज्म और उसके बाद उनकी काइनेटिक्स। सो काइनेटिक्स भी आप यहीं पे पढ़ेंगे। उसके बाद आगे देखें तो अपने पास कंपोजिट रिएक्शन है। कंपोजिट रिएक्शन के अंदर मेनली जो चेन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रेट इक्वेशन कैसे देखे जाएंगे, कंजुगेटिव रिएक्शन और स्टेडी स्टेट जो अप्रोक्सीमेशन है, वो सारा कुछ जो इम्पोर्टेंट पोर्शन वो यहाँ पे दे रखा है। सो ये वाला चैप्टर जो चैप्टर 8 है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चलेंगे तो फोटोकेमिकल एंड रेडिएशन केमिकल रिएक्शंस हमको मिलेंगी। यहाँ पे फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है उनकी काइनेटिक्स मेनली बताई जाएगी, ना कि फोटोकेमिस्ट्री के बारे में। सो मेनली हम काइनेटिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होमोजीनियस कैटालिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बार इस कॉन्सेप्ट से सवाल आते हैं। सो इसके अंदर आपको कैटालिसिस से जुड़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, काइनेटिक्स मिल जाएगा, जो माइकलसन मेंटन इक्वेशन है उसके बारे में भी यहीं पर दे रखा है। सो ये वाला जो चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आइसोटोपिक इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद रिएक्शन डायनेमिक्स, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अब इस बुक को डाउनलोड करने के लिए अगेन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर लेना। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली पीडीएफ आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, और जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिएगा। थैंक यू।